हेलो दोस्तों, फिल्मी बातें विद सन्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर एक्टर मनोज बाजपेयी की अपकमिंग मूवी के बारे में। इसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। यह फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें मनोज वकील के किरदार में हैं, जो सच के लिए जी जान लगाकर लड़ता है। फिल्म का निर्देशन अपूर्व सिंह करके ने किया है, जो इससे पहले ओटीटी पर एस्पिरेंट्स, सास बहू, अचार प्राइवेट लिमिटेड और फिल्मस जैसे वेब सीरीज निर्देशन कर चुके हैं। काकी वंदा से फिल्मों में बतौर निर्देशक डेब्यू कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने कहा कि मैं एक ऐसे बंदे का किरदार निभा रहा हूं जो सच के लिए लड़ता है, एक ऐसा वकील जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच सच और न्याय के लिए लड़ता है। या ऐसे इंसान की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। उन्होंने लिखा है कि इस किरदार को निभाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। बीते कुछ वर्षों में मनोज बाजपेयी मसाला फिल्मों या वेब सीरीज में पुलिस अफसर या इंटेलिजेंस अफसरों के ही किरदारों में ज्यादा नजर आए हैं। ऐसे में एक वकील के रूप में दिखना कुछ नया और अलग है। अब देखना यह है कि ये मूवी आगे क्या कमाल दिखाती है। इस मूवी से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखें।